वेलकम टू एटी क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट मैकेनिज्म, जो कॉम में एक पार्ट है। सो व्हाट मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी एक फोर लिंक होता है शोन इन फिगर। आपको फिगर में गया है ओ है, ओ ए, ए बी, बी क्यू, और एक ओ क्यू को भी लेते हैं हम एक लिंक से, इसीलिए हम इसे फोर लिंक बोलते हैं। इसमें जो पॉइंट ओ और क्यू या फिर लिंक ओ क्यू है ना, ये फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और ये जो ओ ए और ये बी क्यू है, ये इसके अराउंड घूमेगा। मतलब ये सर्कल का रेडियस कैसे होता है वैसे ये घूमेगा, ऐसे ऐसे इसका मूवमेंट ऐसे होगा। फाइन, अभी ये जो पी है, अब ये पी पॉइंट है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, तो लिखा हमने पी एक ऐसा पॉइंट है जो जिसका इक्वेशन ऐसा बनेगा कि पी ए मतलब पी ए बाय पी बी, पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, ये जो क्यू बी है, अपॉन ओ ए। फाइन, तो आपको ये समझना है इसके अंदर इतना सा यही है, इसका जो भी मैकेनिज्म है ये कैसे मूव होगा। आपको दिख रहा है क्या होगा, जब भी हम ओ ए को ऊपर, जब ये ओ ए ऐसे मूव होगा ऊपर इधर आएगा, तो जो पी पॉइंट है ये पी डैश पे आएगा, और ये बी पॉइंट है बी डैश पे आएगा। इसका जो भी मैकेनिज्म का जो मूवमेंट है, मैं आपको लिंक में एक वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप उसके बाद क्लिक करना, तो आपको वो मैकेनिज्म देखने मिल जाएगा कि कैसे मूव होता है, या फिर आप दूसरे वीडियोज में चेक कर सकते हो कि कैसे मूव करता है। बट इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, आपको सिर्फ डायग्राम लिखना है एंड इतना सिर्फ एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ये आपको याद रखना है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और एक बात है इसके अंदर, ये जो ओ ए और ये बी क्यू रहता है ये बड़े होते हैं, और ये ए बी होता है ये शॉर्ट इन लेंथ होता है, ये दोनों का लेंथ ज्यादा होता है, इसका लेंथ कम होता है। सो ये था, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप पहले कैसे लाइन ड्रॉ करना, इधर एक लाइन ड्रॉ करना, इधर से 30 डिग्री एंगल बनाना, इधर से 30 डिग्री का एंगल बनाना, बाद में इन दोनों को पहले एक बार ज्वाइन कर देना, फिर इधर से एक पॉइंट इधर से ऐसे ज्वाइन कर देना, आपको एक बीच में इधर कोई भी पॉइंट मिल जाएगा, उसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर देना, एंड बाद में इसको सर्कल, तो आपका डायग्राम इजीली बन जाएगा। सो ये एंगल 30 का रहेगा, 30 डिग्री, मैंने इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिया है, बाद में फिर ये मुझे अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, इसका सेंटर भी मिल जाएगा। फाइन, सो आपको ये ड्रॉ करना है। इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एटी क्लासेस। पूरा कॉम का प्लेलिस्ट आ चुका है, तो आप पूरा चेक कर सकते हो, एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।